हेलो फ्रेंड्स, तो आज डे थ्री में हम लोग हैं श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज जो कि त्रिवेंद्रम में लोकेटेड है। अभी तक का जो जर्नी रहा है हमारा कॉलेजेस को देखने का केरल के अंदर में, तो आज हम लोग जब श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज आए तो सबसे पहले मैं आप बताऊँ आपको लोकेलिटी के बारे में। तो सिटी के अंदर में लोकेटेड है, अगर सिटी सेंटर से देखें तो अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर की जर्नी है, बट आसपास में काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है तो आपको कनेक्टिविटी या कम्यूनिटी का किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। कॉलेज 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था और वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है केरल के अंदर में, टॉप 10 के रैंकिंग में भी आता है ये कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन हमें लगा और वेल मेंटेन्ड है, और साथ ही में अगर मैं आपको बताऊँ पेशेंट लोड के बारे में तो हर डिपार्टमेंट में सफिशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें मिले। ऑक्यूपेंसी रेट तो बहुत ज़्यादा हाई थी। जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करी तो उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा उनका एक वैल्यू प्रोपोजिशन देखने के लिए मिल रहा था। नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स पिछले 2 साल से कॉलेज में आ रहे हैं, अभी पिछले बैच में लगभग 6-7 बच्चे आए हैं, उसके पिछले बैच में भी 6-7 बच्चे थे, तो पिछले 2 साल से नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट भी यहाँ पे आ रहे हैं। फूड थोड़ा आप अगर अडेप्ट कर लें और लैंग्वेज के साथ में तो एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा लो कॉस्ट पे इस तरह के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने का, आपको जो मौका मिलेगा और एक बेहतरीन आउटपुट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी की डिटेल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको हम अलग से शेयर करेंगे। थैंक यू।